You are most welcome in GSS Education. Today we discuss the new topic limiting reagent. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, यानी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट हमारे होंगे उनमें जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा वो एजेंट रिएजेंट जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा. ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं. द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. यानी वो जो होता है एजेंट हमारा वो डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा. ओके, यानी उसके अमाउंट पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा. तो उस एजेंट को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. तो आगे हम देखते हैं इससे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं. ये जो होता है डिफिनेशन से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. तो आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं और उसके हिसाब से कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ओके, तो अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं. अब इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि फॉर द कम्बसन ऑफ सुक्रोज देयर आर 10 ग्राम सुक्रोज. यानी ये जो सुक्रोज का फार्मूला है ये हमारा 10 ग्राम है और ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ वो भी 10 ग्राम दिया हुआ है. अब इसमें पूछा है कि विच इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, यानी कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा. ओके, तो यहाँ पर देखें कि 10 ग्राम ये भी है 10 ग्राम ये भी है, लेकिन हमारा अमाउंट जो डिसाइड होगा लिमिटिंग रिएजेंट जो डिसाइड होगा वो इस अमाउंट पे नहीं डिसाइड होगा. इस पर हम पहले मोल फाइंड करेंगे. तो आगे हम पहले मोल फाइंड कर लेते हैं. तो हमारा पहला काम है कि मोल फाइंड करें. तो सुक्रोज का जो हम मोल फाइंड करेंगे तो ये आया गिवन मास 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम अपॉन टोटल मास जो सुक्रोज का होता है वो होता है 342.2948 ग्राम. जब से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.029 मोल. ठीक है, तो सुक्रोज का इतना मोल आ गया. उसी तरह हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे. तो यहाँ से मोल निकालनी है हम ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीजन का आ गया 0.3125. तो हम इन दोनों का मोल निकाल चुके हैं. अभी मोल से भी डिसाइड नहीं हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. इसके लिए एक टर्म और होता है आगे, ये होता है कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसमें हमारा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 12 मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट कर रहा है सुक्रोज से, और सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है. तो पहले हम इन सबको इनके स्टोकियोमेट्रिक नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 0.029 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आएगा, और 0.3125 को हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका 12 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है. तो हम निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है उसका मोल कितना आएगा. तो उसका मोल जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 0.02604. तो अब हमारा जो कंपेरिजन करने के लिए जो मोल चाहिए था वो फाइंड हो चुका है दोनों का. तो अब इसमें देखिए कि कम कौन है. इनमें जो है 0.029 और 0.026 इन दोनों में ये ज़्यादा है और ये कम है. और जो कम अमाउंट में कम जिसका मोल होगा जितने भी रिएक्टेंट हमारे होंगे उसमें जिसका मोल कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ओके, यही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कितना फॉर्म होगा. तो आगे हम और प्रॉब्लम में देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से. ओके, अभी इस प्रॉब्लम में सिर्फ ये पूछा था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो हमें इसमें फाइंड हो गया कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ अगर रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एक एग्जाम्पल ये है. जैसे 32 टायर्स हैं और 10 कार हैं जिसमें टायर लगाना है, यानी इसमें कार लगा नहीं टायर नहीं लगा हुआ है अभी. तो हम जानते हैं कि एक कार में 4 टायर लगेगा और यहाँ हमारे पास टोटल 32 टायर हैं. तो कितना कंप्लीट जो है कार बन जाएगा हमारा. ठीक है, तो एक कार में 4 टायर चाहिए और यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 32. तो 32 कार टायर से कितने कार बन जाएंगे. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी 8 कार जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और हमारा जो 2 कार की जो बॉडी है वो बच जाएंगी. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास टायर कितने हैं. अगर टायर हमारा 40 होता तो ये टोटल कार हमारे बन के तैयार हो जाते, लेकिन कम होने की वजह से हमारा जो है 2 कार बच गया, उसे हम बना नहीं पा रहे हैं. तो ये जो हमारा प्रोसेस था कंप्लीट करने का कार बनाने का,
वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टायर, यानी जो चीज कम अमाउंट में होगा वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट को। तो ये था रियल लाइफ का एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं रियल लाइफ में। अब आगे कुछ टर्म देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और वो सॉल्यूशन में यूज होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म में यूज करते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं और समझते हैं कैसे उनका यूज होता है। पहला है मास परसेंट, जिसे हम वेट परसेंट भी बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है W अपॉन W, यानी वेट अपॉन वेट परसेंट। तो मास परसेंट निकालने का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट का हम मास परसेंट निकालेंगे, उस सॉल्यूशन में उसका मास परसेंट कितना है, और जब सारे सॉल्यूट का मास परसेंट निकाल के ऐड करेंगे तो वो 100% के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके इसका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला एग्जांपल है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सब्सटेंस है ए। ठीक है, सॉल्यूशन है जिसमें एक सब्सटेंस ए है जिसका मास दिया हुआ है 2 ग्राम, और इसमें वाटर है जो कि है 18 ग्राम। अब इसमें पूछा है कि ए का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, सॉल्यूट हमारा ए है, ए का मास कितना है 2 ग्राम। तो इस फार्मूले में रख देते हैं 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा टोटल हो जाएगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट ये और मास ऑफ वाटर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 20 इंटू 100, ये 10% आएगा। अब पूछ देता कि वाटर का मास परसेंट ऑफ वाटर, तो हम वाटर के मास को ऊपर रखते हैं, यानी मास ऑफ सॉल्यूट ये हो जाता 18 ग्राम अपॉन टोटल हमारा है 20 इंटू 100। ठीक है, इसे सॉल्व करते तो आ जाता 90%। तो ये 90% एंड ये 10%, टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, तो मास परसेंट ऐसे निकाला जाता है। हमारा दूसरा टर्म है मोल फ्रैक्शन। अगला टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का जब हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल इन द गिवन मिक्सचर, उस मिक्सचर का टोटल मोल को जब हम रिलेट करते हैं किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल से तो उसे हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का हम निकालते हैं कि कितना मोल जो है उसमें प्रेजेंट है मिक्सचर में, और इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसका पूछा है उसका हम ऊपर रखेंगे बाकी नीचे टोटल, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखते हैं एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एन ए, तो यहाँ भी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूट का। अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एन की जगह बी हो जाएगा, बाकी नीचे सेम। ओके, तो इस तरह से दोनों निकल जाएगा। अब इसमें हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है जिसमें है अ टैंक हैज ए मिक्सचर ऑफ 10^3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.5×10^3 मोल ऑफ हीलियम। इसमें सबका अलग अलग निकाल देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे XO2 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मोल कितना है 10^3 अपॉन, फिर यहाँ पे दोनों का ऐड कर देंगे, यानी पहले ऑक्सीजन यानी 10^3 प्लस 4.5×10^3। ठीक है, अब इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10^3 अपॉन 5.5×10^3 इक्वल टू, तो ये XO2 यानी ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 0.18। ओके, अब निकालते हैं हम हीलियम का, तो XHE इक्वल टू हीलियम का हमारा मोल है 4.5×10^3 अपॉन टोटल, हम यहाँ निकाल चुके हैं टोटल जो होगा दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5.5×10^3, तो इसका आ जाएगा 0.82। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल 1 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन निकल के आता है वो टोटल 1 में से ही निकल के आता है, यानी जो टोटल हमारा मिक्सचर था उसे हम मानते हैं कि वो टोटल यानी 1 है।
ठीक। अगर तीन आता, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं तो तीनों को अगर ऐड करते तो भी वन ही आता, यानी जितने भी मिक्सचर में कंपोनेंट होंगे सबका मोल फ्रैक्शन निकाल के अगर हम ऐड करें तो टोटल वन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट मोल दिया था तो हमने तुरंत निकाले आराम से, कहीं कहीं हमें मास दे देता है, ठीक है, मास दे देगा इसके मॉलिक्यूल्स का और फिर पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन, तो उस तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दिया है कि डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH एंड H2O इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ H2O। अल्कोहल जो है वो इसी को बोल रहा है वो, ठीक, CH3OH को। तो इसमें मोल तो दिया नहीं है, डायरेक्ट हमें दे दिया है वेव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से हम सीधे मोल निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो अल्कोहल का जब हम निकालेंगे मोल ऑफ अल्कोहल गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास हो जाएगा, तो मॉलिकुलर मास हमारा दिया हुआ है 32 ग्राम, ठीक। तो इसका गिवन मास है 5.5/32। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल निकला ये 0.17 मोल, ठीक। उसी तरह हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, यानी मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 40 ग्राम, और हमारा मॉलिकुलर मास होता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं वाटर H2O, ओके, ये हो जाएगा 18, इसका मोल आ जाएगा 2.2 मोल। अब इससे हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ये मोल और अल्कोहल का निकल गया, तो पहले अल्कोहल का हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अल्कोहल इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर मोल ऑफ अल्कोहल 0.17 अपॉन टोटल, यानी अल्कोहल और वाटर का मिलाकर, तो 0.17 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 0.17 अपॉन 73.2। तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.073, ठीक है। अब हम वाटर का निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 2.2 अपॉन 2.37, तो हमारा वाटर का आ जाएगा 0.927। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा जो मोल फ्रैक्शन निकला है वो सही है। तो इस तरह से अगर वेट दिया हो, मास दिया हो, तो हम उससे तुरंत मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के बाद वो वही प्रोसेस करेंगे जो हम पहले किए थे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन, मतलब दोनों सॉल्यूट को मिला देंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ओके। जैसे किसी भी सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल NaOH जैसे है, इसे हम बोल रहे हैं कि वन मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब कि एक मोल NaOH जो है वो 1 लीटर में प्रेजेंट है। अगर हम बोलेंगे 0.2 मोलर है सॉल्यूशन, इसका मतलब 0.2 मोल NaOH जो है वो 1 लीटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो पहले सॉल्यूट दिया होगा उसे हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे, और वॉल्यूम अगर मिली लीटर में दिया हुआ है तो उसे हम लीटर में चेंज कर देंगे, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन बस ये होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ दिया हुआ है कितना ग्राम NaOH है, 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम NaOH है, और कितने सॉल्यूशन में, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इसे मिलाया जा रहा है, तो हमारा मोलैरिटी कितना होगा, ठीक। तो मोलैरिटी का फार्मूला आप जानते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी NaOH जो है वो सॉल्यूट है। अब इसका हम मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर होता है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है हमारा 4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका 23 प्लस 16 प्लस 1, यानी 40 ग्राम, ठीक। तो अब इसका मोल आ जाएगा 0.1, तो हमारा मोल निकल चुका है। अब दूसरा टर्म हम बोले थे कि जो सॉल्यूशन दिया होगा यानी वॉल्यूम जो होगा उसे हम लीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ हमारा दिया हुआ 250 मिलीलीटर, जिसे जब लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.250, ओके। अब इसे फार्मूले में रखेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट है 0.1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 0.250, ओके।
अब ये ऐसे आ जाएगा, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मोलर। इसे कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या फिर ग्राम पर मोल। ठीक, मोलैरिटी का ये यूनिट होता है ग्राम पर मोल, या इसके आगे हम लिख देते हैं कैपिटल एम मोलर। बहुत से प्रॉब्लम में सीधे कैपिटल एम लिखा होता है, तो वहाँ पे हमें खुद समझना होता है कि कैपिटल एम अगर लिखा हुआ यानी मोलैरिटी की बात कर रहा है, अगर स्मॉल एम लिखा है तो वो मोलैरिटी की बात करेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म जब स्टार्टिंग से ही आप याद करते हुए चलेंगे तो आगे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें इन सब का यूज होता है, जैसे सॉल्यूशन एक चैप्टर है उसमें इसका यूज होगा, तो वहाँ पे आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो कंसंट्रेशन का टर्म आप जो सीख रहे हैं वो वहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम और भी सॉल्व कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला टर्म हम देखते हैं मोलैलिटी। अब ये टर्म है मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी में था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो थे वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते थे, तो हम उसे कैलकुलेट करके निकालते थे, तो उस कंसंट्रेशन को हम बोलते थे मोलैरिटी। अब जब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, वहाँ क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है, यानी वो वॉल्यूम का टर्म था, ये मास का टर्म है। ठीक, तो मोलैलिटी जो होता है यहाँ पे बस ये नीचे वाला टर्म बदल जाता है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन भी बहुत होता है कि दोनों का सिंबल में कैपिटल एम किसका है, स्मॉल एम किसका है, तो ये आपको याद करना होगा अपने से कि मोलैलिटी जो होता है वो स्मॉल एम होता है और मोलैलिटी कैपिटल एम। ठीक है, मोलैलिटी में होता है वॉल्यूम और इसमें होता है मास, यानी 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है कि 7.45 ग्राम ऑफ KCl वाज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ओके, तो मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है, हमें मोल निकालना है, मोल निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो हम KCl का पहले हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। पोटेशियम का होता है 39 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल हो गया हमारा 74.5 ग्राम पर। तो इसे हम कर देंगे अब गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है हमारा 7.45 ग्राम अपॉन 74.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1 मोल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल आ गया 0.1 मोल। अब इसे फार्मूले में रखेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसे ऊपर रखेंगे यानी 0.1, अब नीचे हमारा जो रहेगा वो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर का मास दिया हुआ है 100 ग्राम यानी केजी में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे केजी में चेंज कर देंगे, यानी केजी में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हम फार्मूले में ही कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 100 ग्राम अपॉन 1000 होगा, ठीक है, तो ये यहाँ केजी में चेंज हो गया, 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, यानी ये हो गया 1 मोलल, इसे बोलते हैं 1 मोलल और उसे 1 मोलर। ठीक, उसमें इसमें मोलैलिटी है, उसमें मोलैरिटी है। ठीक है, तो इस तरह से इन सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।